नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा ये कोर्स का चौथा लेक्चर है। अभी तक हमने यहाँ पर 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रणव क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है और थ्रस्ट के एग्जांपल्स के बारे में। तो लास्ट तक लेक्चर को देखिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी हम बात करते हैं प्रणव क्या होता है या थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट क्या होता है तो बच्चा देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है द फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पर ये आपको नुकीली कील दिख रही है, तो इस नुकीली कील पे इसने क्या है फोर्स लगा रहा है ये। और फोर्स कैसे लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है। जैसे ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे यदि बल लगाया जाता है, और बल भी कैसा हो, सरफेस के सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, यदि सतह के लंबवत बल है उसको हम क्या बोल दिया, हमने थ्रस्ट बोल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये भी फोर्स है, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मैंने बताया था न्यूटन को हम ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रणोद बल क्या होता है, सतह के लंबवत लगने वाला बल होता है। बस ये तो एक इसकी डेफिनेशन होगी, सिंपल भाषा में हमने समझ लिया। लेकिन इसके एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसके हम डिस्कशन करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं यहाँ पर इसके दाब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हमने पढ़ा है कि दाब होता है, प्रेशर होता है, वो होता है लंबवत बल, लंबवत बल गुणा एरिया। तो देखो ये होता है दाब बल, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं लंबवत बल को हमने क्या बोला था अभी, थ्रस्ट या प्रणोद। तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया को ही हमने हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, यहाँ पर एफ अपॉन ए होता है, ए बराबर एफ अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो गया यहाँ पे, थ्रस्ट हो गया। अब यहाँ पर हमको एक बात समझ में आ गई, यहाँ पर यदि एरिया बढ़ गया, यदि एरिया, यदि किसी वस्तु का एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या हम बोल सकते हैं दाब कम। और एरिया घटा दो आप, क्षेत्रफल घटा दो, तो दाब क्या हो गया, बढ़ गया। इसी कंसेप्ट को लेके एग्जाम में अलग अलग, मतलब इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वापस बता रहा हूं मैं, देखो इस नुकीली कील का यहाँ पर एरिया क्या है, बहुत ही कम है यहाँ पर। ठीक है, एरिया घट गया तो आपको क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ, क्षेत्रफल अगर आपने घटा दिया तो उस पे दाब ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, और अगर आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो वहां पर आपके दाब कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा। बस इसी कंसेप्ट को लेके अपन चलते हैं, और इसी कंसेप्ट को लेके हम एग्जाम्पल देखते हैं आगे। देखो सबसे पहले हम इसके उदाहरण की बात करते हैं थ्रस्ट के। आप देखा होगा कि जब आप नुकीली कील किसी दीवार में ठोकते हो या कहीं पर भी कोई टेबल में ठोक रहे हो, तो आप कौन सा सिरा, ये नुकीले वाला कम एरिया वाला, देखो ये इसका एरिया क्या है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया क्या है ऊपर वाले हिस्से का एरिया क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आप जो एरिया कम है उसको आप टच करते हो दीवार पे, और उसके अपोजिट पे आप हथौड़ी, एरिया ज्यादा है वहां पे मारते हो। इसका एरिया कम हुआ, एरिया कम होने से क्या हो गया, इस पे प्रेशर क्या बढ़ जाएगा, दाब ज्यादा हो जाएगा, और दाब ज्यादा होने से ये कील आसानी से दीवार में चली जाएगी। मान लो आपने इस कील को अपोजिट कर दिया, ये नुकीले वाला हिस्सा आपने ऊपर रख दिया और ये जो चौड़ा हिस्सा है वो आपने नीचे रख दिया, और फिर आपने कील को ठोकने लगे, तो क्या कील जाएगी दीवार के अंदर, तो कभी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दाब बिल्कुल लगेगा नहीं, बहुत ही कम दाब हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो दाब कम हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल में क्वेश्चन आए जाते हैं। तो आपने देखा होगा ये कोई कील है, तो ये क्या है, इसका एरिया बहुत कम है, इसलिए अगर इसी कील को आपने क्या कर दिया कि ऐसे लगा दिया, और अब आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, देखो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो तो ये एरिया कम है इसलिए प्रेशर कम
ज्यादा बनेगा यहाँ पे, यहाँ पर एरिया ज्यादा हो गया, देखो इधर इधर एरिया ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम बनेगा। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखो एक बार यहाँ पर देखो, बच्चों का बैग होता है तो वहां पर जो यहाँ पर स्ट्रिप होती है वो चौड़ी बनाई जाती है यहाँ पर, तो इसका एरिया क्या कर दिया, यहाँ पर एरिया बढ़ा दिया इसका स्ट्रिप का। एरिया बढ़ाने से इस बच्चे के कंधे पर क्या होगा, दाब कम लगेगा, प्रेशर कम पड़ेगा, प्रेशर कम पड़ेगा तो इसका फोर्स भी इसको कम अनुभव होगा, इसलिए देखा होगा बच्चों के बैग की जो स्ट्रिप होती है ये पीछे भी, तो ये चौड़ी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, ताकि इसका एरिया बढ़ जाए और एरिया बढ़ने से यहाँ पर प्रेशर कम हो जाए। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी थ्रस्ट का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर ये भी थ्रस्ट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ये देखो कि कोई बहुत ही सॉफ्ट सेंड है या कोई बालू मिट्टी, ठीक है बालू मिट्टी है, और बालू मिट्टी में चलना है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ये बिल्कुल ही जो शार्प सैंडल पहन के चलोगे ऐसा जो हील की, तो यहाँ पर क्या, इसका एरिया कम हो गया, इसका एरिया कम होने से इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, और प्रेशर ज्यादा लगने पर इसका प्रेशर ज्यादा बनेगा, इस पर प्रेशर ज्यादा लगने पर, दाब ज्यादा लगने पर ये क्या होगा, ये बालू मिट्टी में धस जाएगी, इसलिए इससे चलना आसान नहीं रहेगा। इसका क्या है, इस तरह का जो प्लेट जो शूज है आपके, प्लेट शूज का एरिया क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर दाब है, प्रेशर है वो कम बनेगा, प्रेशर कम बढ़ने पर ये आराम से बालू मिट्टी पर चल सकता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी थ्रस्ट का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो एक बार, यहाँ पर अपने पास नाइफ है, तो इस पे नाइफ का दो अपने पास कॉर्नर है, ये है पूरा जो शार्प है इधर का, इधर का जो साइड है वो बिल्कुल शार्प है, और इधर का थोड़ा सा ब्लंट है, या इसके दा इसके आप ये बोल सकते हो धार क्या है, कम है, और इसके इसके धार ज्यादा है। अगर आपको कोई सब्जी वगैरह काटनी है तो आपने देखा होगा जो शार्प जो साइड है इसकी, वहां से आप काटते हो, ब्लंट साइड है उससे आप नहीं काटते। क्यों नहीं काटते, क्योंकि शार्प है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया कम है, उसका क्षेत्रफल कम है, इसका बहुत ही कम एरिया है, कम एरिया है तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, और प्रेशर ज्यादा बढ़ने पर यहाँ पर थ्रस्ट ज्यादा मिलेगा आपको, प्रेशर ज्यादा मिलेगा या, तो इसलिए सब्जी आसानी से, जो ब्लंट साइड है जो धार कम है वहां पर क्या है, एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर बहुत ही कम बनेगा, अगर आप फोर्स लगाओगे फिर भी आपको प्रेशर कम मिलेगा, इसलिए सब्जी आसानी से नहीं कटेगी। तो ये भी किसका उदाहरण है, यहाँ पर थ्रस्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये पूछा जाता है ट्रैक्टर हो गया, टैंक हो गया, उसके टायर बहुत चौड़े क्यों बनाए जाते हैं। तो हमको पता है कि ट्रैक्टर का है, हमको पता है कि ट्रैक्टर हो गया या टैंक हो गए, आपने देखा होगा, तो ये बड़े जो टैंक है आर्मी में, डिफेंस में जो यूज होते हैं, या कोई ट्रैक्टर है, इनका काम कहाँ पड़ता है, इनका काम ज्यादा डेजर्ट में पड़ता है, रेगिस्तान में ज्यादा काम पड़ता है इनका, या आप ये बोल सकते हो मिट्टी में ज्यादा काम पड़ता है। ठीक है, तो मिट्टी में ज्यादा काम पड़ेगा टैंक का, और का तो यहाँ पर इसके टायर का एरिया ज्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पर एरिया ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर कम पड़ेगा इस पे, इस पे प्रेशर कम पड़ेगा तो ये जमीन में या मिट्टी में धसेंगे नहीं। ठीक है, और सेम कंडीशन क्या है टैंक की, ठीक, तो ये भी क्या है, यहाँ पे थ्रस्ट कम होगा, आप ये जो बोल सकते हो यहाँ पे थ्रस्ट कम लगेगा, या ये आपने ऊंट के पाँव देखे होंगे, ऊंट के पाँव का नीचे का एरिया क्या है, एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कम पड़ता है, प्रेशर यहाँ पर प्रेशर कम लगने पर ये पाँव धंसते नहीं है। अगर मान लो कोई घोड़ा है वो जो रेगिस्तान में दौड़ेगा तो घोड़े के पाँव का एरिया कम होता है, इसलिए वो रेगिस्तान में धस जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, यहाँ पर प्रेशर कम बढ़ेगा क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए रेगिस्तान जो ऊँट है उसको रेगिस्तान का जहाज क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके पाँव का एरिया ज़्यादा है नीचे का, एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसके प्रेशर कम बढ़ता है और आसानी से यहाँ पर रेगिस्तान में चल पाता है। ठीक है, घोड़ा नहीं चल पाएगा क्योंकि घोड़े में क्या एरिया कम रहता है, इसलिए उसके पाँव प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा नीचे की ओर, प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा जिसकी वजह से वो पाँव, इसके घोड़े के पाँव तो रेगिस्तान में धस जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखो यहाँ पर ये सारा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारा आपको पता लग रहा है कि सारा का सारा उदाहरण है वो सिर्फ इस वाले फॉर्मूले पे आधारित होकर रह गया। देखो टी बराबर एफ अपॉन ए, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी एग्जाम्पल है इसमें सब में एक ही कंसेप्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रेशर बराबर थ्रस्ट अपॉन थ्रस्ट, देखो ये है ना थ्रस्ट अपॉन एरिया,
तो एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, सिर्फ ये एक ही कंसेप्ट यहाँ पर काम आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये स्पंजी बेड है मान लो, ये बहुत ही स्पंज है, यहाँ पर स्पंजी बेड है, कोई बिस्तर है बहुत ज्यादा स्पंजी है। हम देखा होगा कोई अपन इसमें सोते हैं तो ये यहाँ पर ये नीचे की ओर कम जाता है, यहाँ पे प्रेशर कम लगता है, और जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं तो ये नीचे की ओर ज्यादा धंसता है, या आप ये बोल सकते हो प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? जब हम सो रहे हैं तो हमारा जो एरिया है वो ज्यादा हो जाता है, हमारा जो कॉन्टेक्ट एरिया है यहाँ पर, आप ये बोल सकते हो कॉन्टेक्ट एरिया, सबसे बढ़िया नाम इसका है सतही, जो संपर्क एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पर हम एरिया की, जहां पर भी हम एरिया की बात कर रहे हैं, वो जो कैसा एरिया है, ये कॉन्टेक्ट एरिया है, ये संपर्क क्षेत्र कहलाता है, संपर्क क्षेत्र। अभी बता रहा हूँ, जितना भी मैं बात कर रहा हूँ या सारा सारा किसकी बात कर रहा हूँ, संपर्क। देखो यहाँ पर भी ये संपर्क में, देखो ये संपर्क में कितना क्षेत्रफल है, नीचे देखो एक बार, यहाँ पर भी देखो एक बार, बच्चे के संपर्क में कितना है, ये वाला जो संपर्क में आ रहा ना, ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये संपर्क का या चाकू के संपर्क में, ये भी देखो रेगिस्तान या मिट्टी के संपर्क में जो एरिया आ रहा है ना, ये वाला एरिया, इसको हमने बोल दिया संपर्क। ये ट्रैक्टर के संपर्क में कितना एरिया आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमने देखा होगा जो स्पंज बेड है, तो इसमें जो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया, जो ये सो रहा है तब, जब ये खड़ा होगा तो कॉन्टेक्ट एरिया क्या हो गया, यहाँ पे देखो खड़ा तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट एरिया क्या हो गया, कॉन्टेक्ट एरिया यहाँ पे कम हो गया, कॉन्टेक्ट एरिया कम हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, इसलिए ये नीचे ज्यादा जा रहा है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट एरिया है, संपर्क क्षेत्रफल है, वो बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ज्यादा ज्यादा धसेगा नहीं, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो इतने सारे एग्जाम्पल बताने के बाद आपको एक आइडिया हो गया होगा कि थ्रस्ट होता क्या है, प्रणोद होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी बल की बात करेंगे, बायोइंट फोर्स की बात करेंगे कि ये उत्प्लावक बल क्या होता है, ठीक है। तो ये मिसलेनियस टॉपिक भी आते हैं ये फोर्स में, तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर ये एग्जाम्पल पूछ लेते तो आप आराम से इसके रीजन बता सको, इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। थैंक यू वेरी मच।